हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन। सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है या फिर सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैपिंग। फंक्शन क्या, मैपिंग दोनों एक ही बात है। आइए देखते हैं। पहले टॉपिक है आइडेंटिटी मैपिंग। आइडेंटिटी मैपिंग क्या होता है, जैसे हर बार डेफिनेशन में लिखते हैं अ मैपिंग या फिर अ फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैपिंग। उसको आइडेंटिटी मैपिंग तभी कहेंगे जब यदि एफ एक्स बराबर एक्स हम कोई एक्स आर्बिट्रेरी चूज करें इस सेट ए में से, फिर वो क्या करे हमारा वो जो वाई मिले, जो हमारा वाई ऑब्टेंड हो रहा है वाई, वो भी हमारा एक्स के बराबर है, तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं। मतलब सेट एक्स से एक एलिमेंट चूज करे ठीक वो जो मैपिंग हो रहा है उसी एलिमेंट के साथ हो जा रहा है, तो ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। जैसे हम हो गए और हमारे सामने एक इमेज वो मिरर रखा हुआ है, तो हम जो हमारा फिगर है वो हमारे इमेज का भी फिगर होगा, तो हम दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं। फिर से देखिए डेफिनेशन क्या कर रहा है। मैपिंग एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैपिंग इफ एफ एक्स हम कोई आर्बिट्रेरी एक्स चूज करें जो हमारा सेट ए से बिलोंग कर रहा है, फिर उसमें एफ एक्स में रखने के बाद हमें फिर वही एलिमेंट मिल जा रहा है, ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं। मतलब सेट ए से एक एलिमेंट चूज करने के बाद फंक्शन में वही वैल्यू रख रहे हैं, फंक्शन में एफ एक्स में, तो पुट करने के बाद फिर हमें जो एफ एक्स की वैल्यू मिल रही है, फिर वाई की जो वैल्यू मिल रही है वो हमारा एक्स के बराबर है, तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, वो आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं। ठीक है। दस आइडेंटिटी मैपिंग मैप्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑन टू इट सेल्फ। मतलब आइडेंटिटी मैपिंग क्या करता है, खुद के साथ मैप करता है। यहाँ पे वर्ड नोटिस करना है आई वो ऑन टू, मतलब सेट ए के जितने एलिमेंट का मैपिंग या फिर एफ इमेजेस मिलेगा सेट बी में, तो वो हमारा ऑन टू मतलब पूरे एलिमेंट के साथ होना चाहिए। मतलब सेट बी में एक भी एलिमेंट एम्प्टी या फिर वैकेंट नहीं बचना चाहिए जिसका प्री इमेज सेट ए में ना मिले। मतलब सेट ए में 10 एलिमेंट है तो सेट बी में 10 एलिमेंट होंगे, ठीक है, और दोनों के बीच में वन वन मैपिंग होगी। बात समझ में आ रही, वन वन मैपिंग। सेट ए में वन 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 एलिमेंट मैप विद सेट बी वन एलिमेंट, फिर सेट ए सेकेंड एलिमेंट मैप विद सेट बी सेकेंड एलिमेंट। तो हम ये क्या बात, यहाँ से क्या रिजल्ट निकल रहा है कि ये सेट ए में एक एलिमेंट को चूज करेंगे हमें फंक्शन में पुट करने के बाद, फिर हमें वही सेट ए का एक एलिमेंट मिल जा रहा है और वो एलिमेंट हमारा वन वन है और ऑन टू मैपिंग है। तो जब इतनी सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैपिंग। ठीक है, तो यहाँ ऑन टू वर्ड आपको नोटिस करना है। दस द आइडेंटिटी मैपिंग ऑन सेट ए यूजुअली डिनोटेड बाय आईए, हम उसको आई से डिनोट करते हैं फिर आईए। आइडेंटिटी जैसे फॉर जनरल फंक्शन को हम एफ से डिनोट करते हैं जी एच आई जी स्मॉल लेटर एफ जी एच आई जी के, इस तरह से फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ जब आइडेंटिटी फंक्शन की बात आती है तो वहाँ एक स्पेशल नोटेशन दे दिया जाता है ताकि क्वेश्चन को समझने में और आसानी हो जाए, तो वो आई से डिनोट करते हैं या फिर हम आई ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ एफ एक्स बराबर एक्स होता है, जब इसी एफ एक्स को हम आई ए से डिनोट करेंगे तो वही हमारा आई ए बन जाता है। तो मतलब वही जो एफ एक्स ये वो हमारा आई ए बन गया, एक्स एक्स ये तो हमारा एक्स मिल रहा है एफ एक्स में पुट करने पे, फिर आई ए में पुट करने पे हमें एक्स मिल रहा है। तो ये हमारा जनरली डिनोटेशन होता है आइडेंटिटी फंक्शन का। ठीक है, नोट में क्या कह रहा है कि नोट में हमारा जो डोमेन आई ए है वो हमारा सेट ए का एलिमेंट है, मतलब सेट ए का एलिमेंट जो डोमेन होगा वो हमारा एक वो डोमेन आई ए का रहेगा, और सेट बी का जो रेंज होगा वो भी हमारा ए का रहेगा। मतलब आई ए फंक्शन है उसका डोमेन सेट ए है, फिर आई ए एक फंक्शन है उसका भी डोमेन वो आई ए एक फंक्शन है जिसका रेंज भी सेट ए है। बात समझ में आ रही है कि मतलब यहाँ पे एक रिजल्ट निकला, कंफ्यूजन निकला, सेट ए का मैपिंग खुद सेट ए में हो रहा है क्या सेम सेम एलिमेंट के साथ, ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। बात अब सेकेंड आइडेंटिफिकेशन का, इक्वल मैपिंग। इक्वल मैपिंग के लिए हम दो फंक्शन कंसिडर करेंगे, दो या तीन नंबर ऑफ फंक्शन को कंसिडर करेंगे, लेकिन वहाँ पे हम दो का कंपेयर करेंगे, जैसे एफ जी का कंपेयर करेंगे या फिर जी एच का कंपेयर करेंगे या फिर एफ का एच से कंपेयर करेंगे। मतलब हमें दो फंक्शन का नीड है, दो फंक्शन की सहायता से हम उसको कंपेयर करके बताते हैं वो इक्वल है कि अनइक्वल है। तो आई डिफिनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। टू मैपिंग एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एंड जी सच दैट ए टेंड्स टू बी इसका इक्वल मैपिंग इफ यदि एफ एक्स बराबर जी एक्स, मतलब जो एक्स हम चूज कर रहे हैं सेट ए से एलिमेंट जो चूज कर रहे हैं वो एफ एक्स में रखने पे जो एलिमेंट जो वैल्यू आ रही है वही जी एक्स में भी पुट करने पे वही वैल्यू आ रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम इक्वल मैपिंग कहेंगे। जैसे यहाँ पे एफ
एफ एक्स बराबर जी एक्स, जैसे सीट एक मैपिंग ये हो गया, ये हमारा एफ हो गया, तो सॉरी ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसमें मैपिंग में हमारा एफ हो रहा है, एक में ये हो गया फंक्शन सेट ए, ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा जी है, ये हमारा जी है और ये हमारा एफ है, इन दोनों के बीच में जो मैपिंग हो रहा है, जैसे वो यहाँ पे टू का मैपिंग थ्री के साथ हो रहा है, फोर का मैपिंग फाइव के साथ हो रहा है, यहाँ पे भी टू का मैपिंग थ्री के साथ हो रहा है, फोर का मैपिंग फाइव के साथ हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये रिजल्ट निकल कर आया है कि एक्स का भी कोई आर्बिट्री वैल्यू चूज कर रहे हैं, वो फंक्शन एफ में रख रहे हैं तो हमें थ्री मिल रहा है, फिर एक्स का कोई आर्बिट्री वैल्यू चूज कर रहे हैं वो भी हमें फंक्शन जी एक्स में रखने पे हमें टू या फिर वो थ्री या फिर फाइव मिल रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम इक्वल मैपिंग कहेंगे, मतलब दो मैपिंग अलग अलग है, दोनों को मैपिंग पे जो रिजल्ट आ रहा है एफ एक्स की वैल्यू आ रही है, जो एक्स की वैल्यू चूज कर रहे सेट ए से या फिर इसमें जी एक्स जो फंक्शन जी एक्स में चूज कर रहे सेट ए की वैल्यू, उसमें एफ एक्स में रखने के बाद और उसमें जी एक्स रखने के बाद एक्स की वैल्यू हमें जो इनमेंट ऑप्टेन हो रहा है सेम सेम इनमेंट ऑप्टेन हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम इक्वल मैपिंग करते हैं। बात समझ में आ गई? That is two function f and g have same element in domain D. मतलब कि बात क्या यहाँ पे डिस्कस आ रही है कि जो जो ये a हो गया और ये b जो f हो गया और ये दो फंक्शन है उसका डोमेन 2-4 है और a का भी डोमेन 2-4 है, मतलब कि दो फंक्शन fx and gx है उसका डोमेन कॉमन है, 2-4 से फंक्शन f में भी है 2-4 फंक्शन g में भी है, तो वही बात कह रही है कि that is two function f and g has same element इन डोमेन डी, मतलब डोमेन डी में सेम एलिमेंट है। थैंक यू, बाय, गुड बाय।